मेरा नाम है आशु आशुतोष और आप सभी का स्वागत है राधे प्रॉपर्टीज में। आज हम आए हैं वसुंधरा में आपके लिए 3 BHK का कॉर्नर का फ्लैट लेकर लिफ्ट कार पार्किंग के साथ। बगल में मंदिर है आपका, पार्क है, ऑन रोड यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे मेन रोड है आपका, यहाँ से लिफ्ट भी है, कार पार्किंग के कॉर्नर का फ्लैट है, एक यूनिट बचा हुआ है इसमें फर्स्ट फ्लोर। डिमांड में आपको डिमांड प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप पूरा टूर देखो, पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं तो मैं फिर टूर दिखाता हूँ आपको, इसका पूरे फ्लैट का टूर दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये पूरी स्टे रहेगी इसकी, और सामने यहाँ पे पार्क और मंदिर दोनों है। मंदिर में आपको दिखा दूंगा लास्ट में। और ये पूरा स्पेस है आपका, कॉमन एरिया मिल जाती है यहाँ पे, और ये आपकी लिफ्ट रहने वाली है। ये पूरा आपकी लिफ्ट आएगी, इधर आपका 2 BHK है, ये 3 BHK। इसकी वीडियो आ गई है चैनल पे, आप देख सकते हो। ये है आपका कॉर्नर का 3 BHK की मेन एंट्री। यहाँ से इसमें चलते हैं हम, तो आ जाते हैं हम सीधे हॉल में। ये आ गए हम हॉल में, तो इस हॉल की मैं आपको साइज दिखा दूँ। तो ये आपका एक बार साइज देख लो, इस हॉल का काफ़ी अच्छा खासा साइज मिल जाता है आपको यहाँ पे। ये स्क्वायर में आपका हॉल रहने वाला। सामने आपको TV पैनल प्रोवाइड करा दी जाती है, पंखे, लाइट, झूमर, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड हो गई हैं। फाइनल बाकी आपको जैसे एक इस वाल पे वाल पेपर या टेक्चर जैसा आपका हो, आपके मनपसंद का हो जाएगा। और इस साइड में हमने आपको विंडो एसी का प्रबंध दे रखा है इस साइड में आपका, ताकि जो भी विंडो एसी आप लगाओ, आपकी विंडो एसी यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। आप सामने ये देखो झूमर, पंखे, फोल्ड सीलिंग कवर, आप इसमें एक बार देख लो अपना। और मैं आपको साइज की बात की जाए हॉल की, तो आपके साइज मिल जाता है, काउंट कर देता हूँ मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 1, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15 by 11 का साइज मिल जाता है। काफ़ी स्क्वायर में आप एक बार देख भी पा रहे होंगे, इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका पूरा हॉल स्क्वायर रहने वाला है। और ये है आपका एक बेडरूम, इसकी एंट्री आपकी यहाँ से। और ये बगल में आपका किचन, इसके साथ भी बालकनी है, उस कमरे के साथ भी बालकनी है, और इस कमरे के साथ भी बालकनी है, तीनों कमरे के साथ आपके अटैच बालकनी। ये है पहला बेडरूम, इसकी एंट्री आपकी यहाँ से पूरी रहने वाली है। अब चलते हैं इसके बेडरूम को मैं दिखाता हूँ, बालकनी से अटैच है ये बेडरूम। इसकी साइज की बात की जाए तो इसका साइज है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, मतलब 11 by 12 का साइज रहने वाला है आपका ये। आप एक बार वीडियो में इसका साइज देख भी सकते हो, तो काफ़ी अच्छा खासा साइज मिल जाती है आपको। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी गई है, आपको एक ड्रॉर मिल जाती है यहाँ पे इस साइड में आपको, और विंडो एसी लगाने के लिए ऊपर यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। फोल सीलिंग का वर्क मैं दिखा दूँ आपको, तो इसमें फोल सीलिंग का काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, पंखे उनके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस वाल पे आप वाल पेपर या टेक्चर जैसा बोलो वैसा आपको काम वर्क इसमें मिल जाएगा। अब सामने में आपका इसके बालकनी और मंदिर जो है वो दिखवा देता हूँ मैं आपको। ये इसकी बालकनी रहने वाली है, यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट दिया गया है, और पूरी ये बालकनी इसकी मिलने वाली है आपको। और कुछ सामने का व्यू इस कमरे से ऐसा आता है, बगल में ये मंदिर है, ये पूरी पूरी पार्क है, और ये मेन रोड यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। आपको मेन रोड में दिखा दूँ यहाँ से, तो ये रही मेन रोड, ये मेन रोड है बिल्कुल आपके यहाँ से। अब मैं चलता हूँ इसको लेके किचन में, आपको मैं इसके किचन की तरफ आपको लेके चलूँ। तो हम फिर आते हैं हॉल में यहाँ पे, और यहाँ से हॉल के मैं से आपको किचन का ओवरव्यू आपको दिखा दूँ पूरी। तो ये है किचन की ओवरव्यू रहने वाली है आपकी पूरी की पूरी। किचन की साइज़ की बात की जाए तो किचन का साइज़ है आपका 12 by 6 का साइज रहने वाला है ये। ये साइज आप देख रहे हो यहाँ पे, जो स्पेस है ये आपकी पूरी फ्रिज की स्पेस दी गई है। ये पूरी मॉडुलर किचन रहने वाली है, पूरा वर्क इसमें प्रॉपर करा के दिया जाएगा आपको। फिनिशिंग मोड में फ्लैट है, तो एक दो जो चीज़ें रह गई हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जैसे यहाँ पे चिमनी का पॉइंट दिया गया है। और यहाँ सामने आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे, मतलब इसमें फ्लैट में आपको सॉफ्ट की इस वाले फ्लैट में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन एक कॉर्नर का फ्लैट है। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसके आपको दूसरे बेडरूम में। ये रहा आपका इसका कॉमन वॉशरूम,
कोमोनो वॉशरूम का, इसका साइज आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के दी जाएंगी, पूरी आपके ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं, शावर और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारी फिटिंग आपको इसमें रेक्सोन की मिलेंगी जो भी हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बेडरूम नंबर दो में। तो ये रहा बेडरूम नंबर दो, बालकनी से अटैच जो है इसका, ये है आपका बेडरूम नंबर दो। इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये भी आपका साइज मिल जाता है आपको 1 2 3 4 5 6 12 बाई 1 2 3 4 5 12 बाई 10 का साइज़ इसमें मिल जाता है आपको। फॉल सीलिंग का भी वर्क आप एक बार इसका देख लो, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से फॉल सीलिंग का भी वर्क किया गया है। सामने आपका विंडो एसी का प्रोविजन दिया गया है, विंडो दिया गया है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर इस फ्लैट में बनी रहे। अब मैं दिखाता हूँ इस फ्लैट की बालकनी आपको, तो यहाँ से चलते हैं इस फ्लैट में। और ये रही इसकी पूरी बालकनी, यहाँ भी हमने एक वॉशिंग पॉइंट के लिए दे रखा है। ये वही मेन रोड है सामने आपकी, ये पार्क है बगल में, तीनों कमरे इसके बालकनी से अटैच हैं। और ये है आपका, अब मैं लेके चलता हूँ आपको तीसरे बेडरूम में इसके, उससे भी दिखाऊंगा आपको, इसकी बालकनी अटैच है उससे भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ से अपना तीसरा बेडरूम स्टार्ट हो जाता है, इसकी एंट्री यहाँ से है। एंट्री करते ही आपको एक टीवी पैनल और राइट हाइड में एक आपको अलमीरा मिल जाती है। इस बेडरूम की साइज़ की बात की जाए तो 12x11 का साइज़ रहने वाला है ये आपका, ये आपका पूरा 12x11 का साइज़ है। ये रहा आपका सामने टीवी पैनल, इस साइड में हमने आपको एक अलमीरा दे रखी है। फॉल सीलिंग का वर्क आप इसमें एक बार देख लो, ये पूरा अच्छी क्वालिटी का फॉल सीलिंग का इसमें भी वर्क किया गया है। बालकनी से अटैच है, विंडो एसी का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, विंडो लगी हुई है। इस फ्लैट में आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं फ्लैट की लाइट बंद करके भी दिखा दूंगा आपको। लिफ्ट कार पार्किंग के साथ है, ये आपकी 6x3 की इस वॉशरूम की साइज मिल जाती है। प्रॉपर फिटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सोन की पूरी फिटिंग की गई है इसमें, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगी हुई है। और मैं इसकी इस कमरे से भी बालकनी आपको दिखा दूँ, तो ये रही आपकी बालकनी जो मैंने बगल वाले कमरे से, मतलब तीनों कमरे से आपको बालकनी मिल जाती है। आपके फ्लैट के बाहर का व्यू कुछ इस तरह से रहता है, उसकी वीडियो में मैं आपको पहले इसकी बिल्डिंग के और बाहर का व्यू दिखा दूंगा आपको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।